हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमानत, आप सभी स्वागत है अमानत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का धनतेरस का पोस्टर बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, यहाँ पर देख सकते किस तरह से मैंने यहाँ पे इस तरह का पोस्टर डिजाइन किया है धनतेरस का। इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिए। इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपको इस वीडियो में पासवर्ड भी मिल जाएगा। मैं पासवर्ड आपको इस वीडियो में कहीं पर भी एक जगह बोल दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट आता है कि आपका पासवर्ड नहीं मिल रहा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में ही आपको पासवर्ड बोल दूंगा तो आप लोग को पासवर्ड मिल जाएगा। ऐसे लिख कर दिखाता हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बोल दूंगा कहीं पे भी एक जगह पासवर्ड बोल दूंगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए, जो इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका जी फाइल डाउनलोड कर लेना है। उसका पासवर्ड मैं आपको इसी वीडियो में कहीं भी एक जगह बोल दूंगा, तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जब इसको अनजिप कर लेंगे उसके बाद इसको पिक्सल मैं कैसे ऐड करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम इसको ऐड करके आपको बता देते हैं किस तरह से आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे पिक्सल एप्लीकेशन ओपन कर लिया, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आपको ओपन डॉट पी एल फाइल का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एक डॉट पी एल पी लिखा आपको मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है, तीनों ऑप्शन पे क्लिक करना है और डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है। डाउनलोड फोल्डर में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता है, एक फोल्डर दिख जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं धनतेरस बैनर विथ पी एल पी। तो इस तरह का फोल्डर का नाम मैंने दिया हूँ जी फाइल का, तो इसी नाम का आपको एक फोल्डर दिख जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करके ओपन एंड ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ओपन एंड ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पी एल पी फाइल पूरा ऐड हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ऐड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फोटो को चेंज करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको आ जाना है फोटो पे, फोटो को इस तरह से रिमूव कर देना है यहाँ से और फिर आपको यहाँ पे टच कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी फोटो यहाँ पे अपना फोटो लगाना है उस फोटो का पहले आपको बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं उस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, गैलरी में जाने के बाद दोस्तों उस फोटो को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं और उस फोल्डर में चले जाते हैं जिस फोल्डर में हमने फोटो को रखा है। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ये वाला फोटो हमने लगाया तो इस फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे कर लेंगे, फिर टिक पे क्लिक कर देंगे। और फोटो में नीचे से धुंधला कैसे करते हैं तो आप उस वीडियो को देखेंगे ना, जो जिस फोटो में मैंने बताया हूँ बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे उसी फोटो में ये भी बताया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बैक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और टू बैक पे क्लिक कर देंगे, टू बैक पे क्लिक करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे और नाम वाम चेंज करना रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसके ऊपर टच करना है, नाम के ऊपर टच करके आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आपको यहाँ से अपना नाम चेंज करके यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो कुछ भी मैंने लिखा है तो इसको भी आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट करके आप यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। और इस तरह से आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी आप यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। समझ लीजिए आपको इस तरह से कलर चेंज करना है तो आपको इस तरह से यहाँ पर करके यूट्यूब पर जो भी कलर आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो कलर आप इस तरह से यहाँ पे सेव करके एडजस्ट करके यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको सेव करने दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है और सेव टू गैलरी में क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं वेरी हाई और अल्ट्रा का ऑप्शन दिख रहा था, आपको अल्ट्रा पे क्लिक करके इसको सेव टू गैलरी में इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको पूरा फुल एचडी में करना चाहते हैं तो उस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में बहुत ही आसानी से मैं बताया हूँ किस तरह से किसी भी फोटो को मतलब किसी भी पोस्टर को एचडी में कैसे करते हैं, तो उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।